महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। बोली श्री हरकाराम जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की जय। सब बोलो राम, सब बोलो राम, राम राम। अनंत आदि आचार्य जगतगुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज वे श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच विराजमान संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में मातोर बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, समस्त भाव नगरी प्रेम नगरी धर्म नगरी नाड़सर ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु, द्विमासी चातुर्मासिक सत्संगरी जो ज्ञान धारा जो बह रही है और सत्संग रे पावन प्रसंग में अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे दिव्य जीवन दर्शन रोजु पावन प्रसंग प्रारंभ है। श्री दरियाव जी महाराज वे दरियाव जी महाराज रे शिष्य जो भी उजागर शिष्य भी है श्री दरियाव जी महाराज रा बहुत शिष्य हुए उजागर और अनुभव वाणी मिले सुख सागर बोत्र जो दरिया साहब शिष्य विवाह उजागर भजनानंदी जानो जो प्रसंग प्रारंभ है। आज अनंत श्री दरियाव जी महाराज री गादी रे माते विराजित प्रथम रैण धाम री पावन गादी माते विराजिया पूज्य श्री हरकाराम जी महाराज आप श्री रे दिव्य जीवन रो जो प्रसंग है। सजनों महापुरुषों रे दिव्य जीवन प्रसंग ने सुनने सु अपने जीवन में भी भक्ति रो अंकुर उदय वे, अपने भी जीवन में परमात्मा रे नाम रे प्रति परमात्मा रे प्रति प्रेम जागृत वे और अपने भी जो भक्ति मार्ग में बल मिले है जदे से महापुरुषों रो जो प्रसंग श्रवण करा अपन। देखो कल रे प्रसंग में अपना पूर्णदास जी महाराज श्री सुखराम जी महाराज जो दरिया साहब शिष्य बेनो प्रसंग सुनियो, उदयगिरी कस्तूराम भाई जी महाराज रो दिव्य जीवन प्रसंग सुनियो, आज ऐसे अरकाराम जी महाराज रो दिव्य जीवन प्रसंग है। वाणी जी महाराज रे आधार सु अरकाराम जी महाराज रो जन्म नागौर शहर रे पास फिड़ोद गांव में आप रो जन्म हुयो। आपरे पिताजी रो नाम हो विजय राम जी श्रावक, श्रावक यानी सरावगी, ये जो जैनी हा जैन धर्म में आप रो जन्म लियो विजय राम जी श्रावक। और अरकाराम जी री माता रो नाम हो बालाबाई, बालाबाई नाम हो
बालाबाई रेण रहा पीहर हो रेण, यानी अरकाराम जी महाराज रो जो ननियालो ना वो रेण हो। तो अरकाराम जी रे पिताजी विजयराम जी जो संवत 1775 में अनंत श्री दरियाव जी महाराज सो दीक्षित लिया, क्यों कि अरकाराम जी महाराज रे जो मामा जी आ जारो नाम हो चतुर्दास जी महाराज, ये दरियाव साहब रा शिष्य। वाणी जी में ऐसो लेख आयो है कि भक्त चतुर्दास प्रताप गुरारा साचा जानिया, जगत पंथ सो काड जीव गुरु शरणे आणिया, ज्यू रण सुर सदीर श्याम का नमक हलाली, राम भरोसे जाग टेग जब करड़ी जाली, गुरु चरणा चित धार कर राम नाम निस्दिन कहे, सदगुरु जन दरियाव कार शिष साचा सन्मुख रहे। जो विजयराम जी और विजयराम जी की पत्नी बालाबाई रे जो भाई चतुर्दास सिंह अनंत श्री दरियाव जी महाराज का अनन्य शिष्य, और वाणिज्य में भी आयो के पोल पाल की भक्ति नहीं भक्ति है सिर के साटे, चतुर्दास चेलो दरिया कोर के हो कौन कर काटे। तो सजनों एक समय चतुर्दास जी महाराज और अरकाराम जी महाराज निवेदन करे श्री दरिया साहब ने के कृपा करो एक दफे आप फिरडो पधारो, मारे भी आंगन में विजयराम जी के है और कुछ दिन विराज और सत्संग करो, आपरी भावना देख आप रो प्रेम देख। और श्री दरियाव जी महाराज फरडोत पधारिया फिडोत, कृपा कर गुरुदेव गांव फिडोत पधारे, विजय राम श्री चरण संत दरिया जू धारे, भक्ति काज महाराज संत तीर्थाना दिया, बाला तन मन मेल आपका कार्य किया, कूक पुत्र भल मंत्र शरण दरिया की आया, मात गर्भ के बीच राम रस अमृत पाया। बीस समय रे चार पुत्र हा विजय राम जी रे, एक रो नाम हो जे चंद जी, लिखमी चंद जी, श्री चंद जी, और ये सबसे छोटा जो चतुर्थ पुत्र भी समय कोक में हा जानो नामो अरकाराम जी, और एक बहन ही भी बहन रो नाम भी बाणी में आयो हो धन्नी बाई, यानी ये पांच संतान ही विजय राम जी। जिस समय फिड़ो दरिया साहब पधारिया भी समय चार रो जन्म योड़ो हो, जिमें जयचंद जी, श्रीचंद जी, लिखमी चंद जी रो और अरकाराम जी री बहन धन्ना बाई, ये चार पुत्र हार पांचवे जो अरकाराम जी हा भी समय मारे उदर में हा। मारो का ही नाम हो बताओ, भूल गई, बालाबाई नाम हो अरकाराम जी री मारो। और गर्भ में जिस समय अरकाराम जी हा भी समय बालाबाई गुरु महाराज दरियाव जी महाराज कनु राम नाम मंत्री दीक्षा ले और राम भजन में लग गया। और सजनो कहे कि जी समय बालक गर्भ में रहे और भी समय जैसो जैसी मारी दिनचर्या वे जैसो माँ सुने हैं देखे है, बीरो पूरो ही प्रभाव बीरे कूक में पड़ने वाले पुत्र माते पूरो पड़े। जैसे माता यदि नौ मास जी समय गर्भ में बालक रहे भी समय राम जी रो भजन करे, सत्संग करे, वाणी जी रो पाठ करे और सांस सांस राम भजन करे, अन्य कोई व्यक्तियों फालतूरी बात नहीं करे, तो निश्चित ही भी मारे भक्त पुत्र जन्म वे में कोई संदेह नहीं है। कबीर साहब कहो कुल के लक्षण माता चाले और माता रे लक्षण बेटी,
कहत कबीर सुनो भई साधो और गुरु से गुरुगम बेटी। सजनो मारो तो पूरो ही असर जो बिरे होने वाली संतान माते पड़े। तो जिस समय माँ गर्भ अवस्था में रहे, भी समय भी मारे मारी ऐसी करनी हो उच, तो निश्चित ही बिरे भगत पुत्र जन्म दे। अपने प्रसंग में सुने ना बाणी में, संत भगत थे पैदा की जो मारी सुन जो माता ने नाए, संत भगत थे पैदा की जो ए सुन जो माता ने नाए, बिना भगत पैदा कर व्यर्थ ए मति गमा जो काया ये, बिना भगत पैदा कर व्यर्थ तारी मति गमा जो काया ये, संत भगत थे पैदा जैसे मात कया तूने देखो ये भगत पेड़ाद ने जाया रे, जैसे मात कया तूने देखो भगत पेड़ाद ने जाया रे, जिनको तो हरि दर्शन दीना भेद दर्शाया रे, जिनको तो हरि दर्शन दीना ये निगम भेद दर्शाया रे, संत भगत थे पैदा की जो बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की जय। सजनों बालकरी जो प्रथम गुरु है ना वो माँ ही वे, बालकरी प्रथम गुरु वे माँ। इन वास्ते क्यों है कि माँ ही बाप गुरु पहल है। सुन जियो सब संसार रक्त बूंद सुखराम कहर विकसी धात विचार। सुखराम जी महाराज की माँ और बाप संतान रे प्रथम जो गुरु व्या करें, माँ प्रथम गुरु। संत भगत थे पैदा की जो सुन जो माता बहना ये, बिना भगत पैदा कर व्यर्थार मति गमा जो काया ये। महात्मा जी कहे कि यदि भगत संतान पुत्र नहीं वे तो सदगुरु कबीर साहब लिखियो गर्भ माज मुझ रही क्यों नहीं बन जा, और सुकरी रूप फिरे है जग अंधा नाव बिना धृक धृक नर नारी, क्या कीनो तुम आई संसारी। महात्मा कहे के जो गर्भ में ही तू बांझ ही क्यों नहीं रह गई, यदि भगत पुत्र ने जन्म नहीं दियो तो कह दियो महात्मा तो तुम्हारा संस्कार माता बिना ने विशेष सत्संग में आनो, राम भजन करनो, सत्संग में लगनो तो आपरे होने वाली संतान है। बीमे जी जो भक्ति और भजन रहा जो संस्कार पड़े है, उदाहरण दियो कि जैसे मात कया तू देखो और पेड़ाद भगत ने जाया, जिनको तो हरि दर्शन दिनार निगम भे दर्शाया। धन्य प्रहलाद जी री माँ कया तू ने देखो, प्रहलाद रा पिता जो आवे तो हा राक्षस,
पर प्रहलाद री जो माता ही ना कया दू, वो कया दू भगवान री भगत थी। कैसे कि जिस समय हिरण्यकश्यप साधना में तपस्या में लगे हो, बीच समय हिरण्यकश्यप नगरी माते इंद्र देवता रे साथ हमलो करियो और बीच समय कया दूरे गर्भ में प्रहलाद हा और उठा लेगा भी ने इंद्र, इंद्र क्यों इन्हें मारा, क्योंकि राक्षस रे राक्षस पुत्र पैदा हुए। बीच रस्ते में नारद जी महाराज मिलिया और नारद जी महाराज को ऐसा काम मत करो, इन्हें मारो मत। क्यों? इरे गर्भ में तो भगत संतान वे, तो कया दू माता 9 मास जब तक गर्भ में वो प्रहलाद जी रहा तब तक नारद जी महाराज रे स्थान रही। और नारद जी महाराज सत्संग सुनाता, भक्ति रू भेद बतायो हो और भी भेदरे प्रताप सु ही भक्ति रू बीज रो जो अंकुर है वो मारे गर्भ में ही पड़ गयो। बस बीज अंकुरित कैसे भी हो, जब श्रिया दे माता मिली तो वो बीज अंकुरित हो गयो। अनेकों ऐसा उदाहरण जैसे माता सुनीति ने देखो और द्रुजी तप करण सिधाया, माता तो मदाल साई वा लोरी में ज्ञान सुनाया। माता तो द्रुजीरी भाई, द्रुजीरी मारो कई नाम हो, सुनीति जो द्रुप रा पिता रो नाम हो ये उतानपाद राजा। और जिस समय उतानपाद री गोदी मु, क्योंकि सुनीति माता ने दुहाग दीवड़ो हो और गोदी में वो दूसरी जो मोसी उतार और फेंक दियो ध्रुव ने, ध्रुव रोतो रोतो मारे पास में जावे तो माँ कहीं कहे कि जब तप नेम तपस्या नहीं की नी, कुदरत का फल पावे राजा राखे जो रैणो पड़सीर तू क्यों रुदन मचावे। है ध्रुव तारे पूर्व जन्म में तपस्या नहीं करी उड़ी है, जब तप नहीं करी उड़ो है तो तने राज नहीं मिले, राज उत्तम नहीं मिली। और तने राज पाणो है तो ये तो एक साधारण जो मृत्यु लोक में एक साधारण सी नगरी रो राज है, यदि तुम भक्ति करी तो तने स्वर्ग रो राज भी मिल जाए, इंद्र रो पद भी मिल जाए। उमार ही तो ज्ञान दियो हो, मदालसा जो ही अपने साथ 8 पुत्रों ने लोरी में ज्ञान सुना दियो। लोरी कब सुनाई जावे आपने पतो है? छोटो बालक रह भी नींद नहीं आयो जन लोरी सुनावे, तो भी लोरी में ये ज्ञान सुना दियो, तू शरीर नहीं है, तू जीवात्मा है, तुम ब्रह्म है, तू तो परमात्मा रो रूप है। ऐसे 8 बच्चे मदालसा माता रा जो हा वे भक्ति करी ही। बहुत माता भी ऐसे जग में, उलसी माता तुलसी जाया, मानस ग्रंथ रचाया। माता तो मेणावती ही भाई, गोपी चंद ने ज्ञान सुनाया। माँ तो मेणावती भी ही जो गोपी चंद जैसे पुत्र ने ज्ञान दियो कि थारी माता कह रे गोपी चंदा, तू तजदे माया रा फंदा, तेरे पिता बंगाली का राजा, जारे बास्ता 3600 बाजा। सदगुरु कबीर साहब वाणी में कहो कि यू माता मेणावती भाके, सुत अमर कर कर राखे, कहे कबीर दिन हो माता, सुत ने राख्या 84 में राता। मारी ही कृपा है, तो माँ तो माँ ही है भाई। माँ बाली अवस्था में कहे के भगत माँ मिल जावे और जवानी में महात्मा मिल जावे अच्छे, तो अंत समय में भी जीव में परमात्मा मिल जावे ही में कोई संदेह नहीं है। तो माता मिलो नहीं, यही उपदेश है महाराज रो कि भाई धन्य है अरका राम जी महाराज री माता बाला भाई ने, जो गुरु महाराज रे चरणों में सर्वस अर्पण कर और जिस समय आपकी उदर में अरका राम जी महाराज हा, बीच समय आप राम भजन में लागा। बाला भाई घंटों घंटों तक बैठ और भजन करता है, राम भजन करता है सत्संगी, क्योंकि पियर में भी भाई आ जो चतुर्दास जी वे दरिया साहब रा शिष्य है, तो कहे के जन्म भूमि थी फरड़ो। अब 1803 में भाद्र कृष्ण 12 दिन श्री पूर्ण श्री अरका राम जी महाराज रो इधरा धाम माते आगमन भी हो, इधरा धाम माते पधारणो भी हो, तो कहे के जन्म भूमि फिड़ोद नगर
नागाने आया, विजय राज के पुत्र विजय निशान बजाया। तो कारणवश ये अपनो जो गांव प्रार्थक हो फेड़ो गांव ने छोड़ दियो और नागौर आयर बस गया, जेठे अभी रामपोल है। रामपोल रो निर्माण योड़ो आठे अरका राम जी महाराज रे पिताजी विजय राम जी आया हा अपने पांचों ही पुत्रों ने ले। और देखो श्री दरियाव जी महाराज री परिवार माते ऐसी कृपा ही, विजय राम जी, बालाबाई और आपरे सबसे बड़े पुत्र जो आज जयचंद जी, श्रीचंद जी, लिखमी चंद जी, अरकाराम जी और आपरी पांचवी पुत्री धन्नाबाई, ये इस घर रा जो सात सदस्य सातों ही राम भजन करता, सातों ही नाम दीक्षा ले दरियाव जी महाराज सु और भगवान री भजन रो जो नेम गाड़ो हो। महात्मा लिखियो दिन दिन राम जनागर आई और पांच भाई और छठी भाई धन्य है भी कुल ने भाई। कहवे के यदि कुल परिवार में एक ही भगत जन्म जावे तो सात पीढ़ी तारे, पर कुल में सारा ही भक्ति करे तो कितनी पीढ़ियां रो उधार वे बताओ आप। कबीर वो कुल धन्य है जिन कुल उपजे दास, जिन कुल दास नहीं उपजे वो कुल है आग पलास। कितनी बड़ी साई बात कही कि धन्य है भी कुल कुटुंब ने जो कुटुंब में ऐसे भक्तों को जन्म लियो बताओ आप। धन्य है भी कुटुंब ने, धन्य है भी जाति ने, धन्य है भी गांव ने, धन्य है भी मात पिता ने। और धन्ना भाई तो बहुत भगत था सजनों, कह के ये आजीवन भर अविवाहित रिया हा, जैसे राणा भाई फूली भाई रिया ऐसे ही घर ही बैठ भजन करियो। तो बाल अवस्था में जद अरकाराम जी हा तो अरकाराम जी अपने पुत्र सबसे छोटा विजय राम जी, अपने पुत्र अरकाराम जी पांचों पुत्र रे साथ में रैण दर्शनार्थ आया। विजय राम जब चाल हाल रैण में आया, बालक लीना सात गुरा के चरण लगाया, देखत जन दरियाव अगम का वचन सुनाया, विजय राम का पुत्र जिना को भेद बताया, ये बालक भल पांच विजय के घर में आया, माहे भक्ति आंकुर भजेगा निरंजन राया। दरियाव जी महाराज कहे विजय राज ते भाग्यशाली हो, थारे पांचवें पुत्र है जो भगत पुत्र है। देखो सजनों संत महात्मा ने पहले पतो चाल जावे, बड़ी जो भजनानंदी महात्मा वे बेने पहले पतो चाल जावे कि ये पुत्र भगत पुत्र है, कैसे पुत्र है। एक माँ माने कहो के मैं मारा पुत्र ने ले और एक संत महात्मा जी के पास में गई, सत बात है। वो माँ कह रही है कि मारो पुत्र छोटो हो जो तो बड़ो भगत हो भगवान रो, सत्संग में भी जातो मारे साथ भी चलतो। तो मैं एक समय एक महात्मा जी के पास में गई तो वे महात्मा जी पूछे गो तारे साथ हो जी को कौन है, जो ये तो मारो पुत्र है। तो वे महात्मा जी बोले आ थारो पुत्र कौन है, वो थारो दुश्मन है, ये कोई द्वेषी थारे जन्म गयो है। वो माँ बोले कि वास्तव में समय आया वो पुत्र मारो बहुत द्वेष करियो और आज तक वो मारो विरोधरी भावना में ही चले है। तो जो भजनानंदी महात्मा व्या करे वे बता दिया करे दिव्य दृष्टि रे द्वारा। तो दरिया साहब के थारे पांचों ही पुत्र है ये बना भला जन्मिया भाई विजय राम, या पांचा रे माए हरका की भक्ति करारी और करसी बात अनूप भक्ति है पूर्वली भारी। दरिया साहब के ये पांचा में जो ये सबको छोटा हरका राम है, ऐरी भक्ति जो और भी दृढ़ वे, ये हरका राम जी तो और भी सबसे श्रेष्ठ वे। करसी बात अनूप भक्ति है पूर्वली भारी, ये जीव कोई पूर्वलो भगत है ये सजनो, पूर्व भक्ति बिन ऐसो वे नहीं। देखो पूर्व भक्ति रो एक दृष्टांत है, पूर्व जन्म में की गई भक्ति रो कैसो प्रभाव पड़ा है कि एक समय एक गांव में एक गरीब परिवार में छोटी जाति में एक बालक रो जन्म हुयो। जन्म होते ही कहीं करे वो बालक रोवे ही रोवे, रोवे ही रोवे, बहुत रुदन करतो जाना रो थम तो ही नहीं हो। और भी रे मात पिता कहीं गरीब आजन कर सारी ओड़ा कोई किसान रे। एक दिन वो किसान बाबू आयो, क्यों रे ये तो बालक थारो रात दिन रोवे है, क्यों किसान बाबा रोवे गड़ो।
किसान क्यों मारे हाथ में दे देखो। अब वो बालक भी चौधरी रे हाथ में किसान रे हाथ में देवे, देते ही बालक रो तो थम जावे। जन क्यों बाप जी ने थे धक नहीं राख लो रोवे घनो। अब वास्तु में घरान देवे तो रोवे, रे बैगन आवे तो रो तो थम जावे। ठीक है भी गांव रे किसान रे गांव रे जो ठाकर हा मेरे प्रेम हो, पर भी ठाकुर रे कोई पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं हो जाना वो किसान बाबो क्यों के अभी तो छोटो ही है वो। और राजा मैं आपरे पास में भी बालक ने लियो और अभी तो कोरो कागद है, इन माते मान लो जीव मंड जाई और आपरे भी आगे झगड़ा झगड़ा कौन रे बेरो। बालक तो मने अच्छा लागो बहुत, बालक जो गुणी है प्रभावशाली है, वे ठाकर की कोई बात नहीं ले आओ। अब भी बालक ने गरीब परिवार में जन्मियो टाबर कटा आएगो, भी किसान रे थ्रू आएगो भी राजा रे घर। अब कहीं बनगो वो राजा रो भाई, राजा रो राजकुमार बनगो जन्मियो कटे हो, जन्मियो तो गरीब घर में बड़ो भी हो राजा, पढ़ा लिखा बहुत चतुर होशियार। अब कहीं वे सजनों के राजा साहब तो चलिया गया, राजा री गद्दी माते बैठो वो बालक, इधर वो बाबा है जो वृद्ध वेगा चौधरी बाबो। अब पूरा गांव रान तो पतो को नहीं कि भाई ओकीरो है, पर भी चौधरी ने तो पतो हो। जन वो कहवे रे को तू फलाने घर रो गरीब बालक है और इन्हें तो मारे कारण वो राजू बनियो। जन सब राजा ने प्रणाम करता नमस्कार करता, पर वो बाबो करतो को नहीं। जना एक दिन वो राजा जो अब राजकुमार राजा बनगा, मैं क्यों एक काम है मारो करो सा बाबा जी। अब राजा री आज्ञा माननी पड़ती के कहीं के मारे वास्ते जो मोती ले रहा हो। अब क्यों कैसी करी के मोती लेना ना पड़ी, कठो लाऊं मोती के आप जाओ पूर्व दिशारी तरफ जंगल में तो उधर आगे चालो जना समुद्र किनारे ही वह मोती थे, उधर समुद्र रे समुद्र किनारे मोती मिल जाए आपने जाओ। बाबा जी पैदल पैदल गया, बहुत प्रयास करियो पर मोती नहीं मिले। पर एक दृश्य देखे के भी जगह माते सात झोंपड़ियां बनियोड़ी, छह झोंपड़िया में तो जो ऋषि महात्मा तपस्या करता, एक झोंपड़ी जो खाली। इधर से ने देकर वापिस आया और राजा ने चौधरी कियो के राजा साहब मोती तो नहीं मिलिया, बुट थे कहीं देखियो के मैं देखियो कि सात झोंपड़ियां मणी और सात झोंपड़िया में छह जो झोंपड़ी में मैं ऋषि महात्मा तपस्या करता और एक खाली ही। तो वो राजू कहे बाबा चौधरी तू मन में सोचे है कि राजा तू बनायो मने, छह झोंपड़िया में ऋषि भजन करता हाथी में मारी भक्ति करी उड़ी है तपस्या करी उड़ी है और भी तपस्या रे प्रभाव में ही जन्म में राजा बने हो। तो तब भी नहीं मिले नहीं राज, तब बिना कुछ नहीं हुए। इस जन्म में भी भक्ति रा कोई जीव में संस्कार है तो वो पूर्व जन्म में भक्ति कर तो आयो है, क्योंकि जो जीवन जो है ना अने अनंत जन्मारा जो संस्कार ले रो फिर जीवन मिले। इरवास्त के भक्ति बीज पलटे नहीं और जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गर जन्म लेवे पर वो रहे संत को संत। तो कहीं बोले दरिया साहब के या पांचा रे माँ हरकारी भक्ति करारी, करसी बात अनूप भक्ति पुरबली बारी, हर को ओसी साध राम जी खूब री जासी, और करे नागिनो प्रगट संगत भी खूब जमासी, हर का लिखमी राम धाम की सुंद बनासी, कर मेलारो ठाट पाट रा दर्शन आसी। अरे मारे लारे भंडारो ये हरका राम ही करी और मारे पाट माते ये हरका राम ही विराजी। ये बात सुन और आज अरका राम जी विजय राम जी और बाला भाई रे तो मन में जो भाई खुशी रो ठिकानो ही नहीं रियो कि मैं बड़ भागी जो मारे ऐसो पुत्र अरका राम जन्मियो है। दरिया साहब कह रहे एक भविष्य में जाई और भगवान री भक्ति करी, गुरु महाराज उपदेश दियो और वास्तु में ही भविष्य में जाय और वैसो ही वियो कि अरका राम जी महाराज बाल अवस्था में ही गुरु महाराज रो नाम उपदेश ले और भगवान रे भजन में लागा, रात दिन भगवान रो भजन करता। फिर दरिया साहब धाम पधार गया, दरिया साहब धाम पधारिया तो पूर्व में दरिया जी महाराज एने अपने स्थान माते क्यों भाई मारे बाद में मारे जो धामरो काम काज है ये अरका राम संभालेला।
तो कह के हरकाराम जी महाराज रे जब दरिया साहब रे कोठी में लक्ष्मी आई ना, तो लक्ष्मी ने हरकाराम जी रे बुढ़े भेज दी कि जाओ हरकाराम जी थारो भली भांति उपयोग करी, तो चलिया जाओ उठे। तो हरकाराम जी महाराज रे पाद में रिद्ध सिद्ध आई, ऐसी रिद्ध सिद्ध आई, एक रुपयो हरकाराम जी रखता तो हजारों रुपया भी जगह मातो उठा लेता। दरिया साहब की कृपा हरकाराम जी री रिद्ध सिद्ध प्रकट हो गई सजनों। अब हरकाराम जी महाराज खूब ही तो आए गए, साधु ने संतों ने भोजन करावे और खूब भजन करे, और हरकाराम जी रे गुरु महाराज धाम पधारिया, बाद में बड़े गुरु भाई जो किशनदास जी महाराज हा अरे साथ मेरे आप खूब जो ज्ञान चर्चा करता। सजनों भजन करते करते रिद्ध सिद्ध प्रकट हो गई और महात्मा कहे के भाई राम जनारे जो रिद्धि सिद्धि है वो दासी रूप में रिया करे, आयो है वाणी में। ये आप
सर्व संत महापुरुषों की। दिन दिन संत बसे वही देश, रीदी सीधी जारी टेल करते दरदासी को भेस। देखो सजनों, तीन जो श्रेणी बताई हुआ, एक है साध श्रेणी, एक साधु, एक संत, एक भेषधारी। तो इनमें जो प्रथम जो बतायो एक साध की कह रहे हो। देखो वाणी में कई दफे ऐसो आवे कि पुराने समय में जो संतारी वाणिया है ना, भी ये नाम लिखे उड़ावे साधा श्री अरकाराम जी महाराज, साधा श्री किशनदास जी महाराज, साधु शब्द ज्यादा आयो। साधु रो अर्थ कही है के साधनार्थ साधु, जो साधना करे वो साधु, जो जैसे राम भजनरी साधना करे है, राम नाम को सुमरण करे है, वो साधु है। साधु में भी दो श्रेणी है, एक गृहस्थ साध और एक सन्यासी साध। जो भाई बहन गृहस्थ में रे, गृहस्थ आश्रम निर्वहन करे, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रही साध की आई है उत्तम। ए भावारे साध जो भक्ति करे है, वो है गृहस्थ साध। गृहस्थ और सन्यासी दो धारा है, साधनार्थ साधु, साधनोति पर कार्यम इति साधु। जो पर कार्य ने साथ देवे वो साधु है, पर उपकार जो कार्य कर देवे वो साधु। साधनोति सर्वाणी इंद्रियाणि इति साधु, साधनारे द्वारा जो अपने इंद्रियों माते नियंत्रण करे, नेम सेम करे है, वो साधु। जो साधना जीरी प्रारंभ है वो साधु है, और जो साधना करते करते उच्च स्थिति में पहुंच गया है, आत्म साक्षात्कार कर लियो, वे हो संत। जिमें संत श्री दरियाव जी महाराज, किशनदास जी महाराज, हरकाराम जी महाराज, ये सब संत था। से मतलब शांत, ने मतलब नम्रता, और ते मतलब त्याग। शांति नम्रता और त्याग री जो मूर्ति रिया करे, जो संत महात्मा रिया करे। एक भेषधारी भी वे, भेषधारी रो अर्थ है केवल जैसे भेग ही पहन लियो। अब नहीं तो राम जी री भक्ति करे, नहीं संतोरी सत्संग में जावे, नहीं संतोरी सत्संग सुने, केवल एक भेगरे कारण सु अपनो गुजर बसर जावे, पेट भरी जावे। जैसे देखो आप कई दफे जाओ जिन काल बेलिया भी भेग भेर ना आवे, और कई तरह रा भेग धारण करियोड़ा अपने घर मांगने भी आवे। वे क्यों भेग धारण करियो? के भेगरे साबू रोटी मिल जावे। अब नहीं तो भक्ति रा संस्कार है, नहीं साधना है, और नहीं जीवन में परमार्थ रो कार्य, नहीं धर्म प्रचार है। वो है कि भाई भेष धारण कर लियो है केवल। प्रिय अरकाराम जी महाराज, ये तो संत हा, विवेकी संत बसे हूं देश, रिधि सिधि यारी टेल करते हैं, और धरो दासी रो भेक। फिर ऐसे जो मान संत या करे, मेरे रिधि सिधि टेल करे, ये प्रसंग में सुनाई आप। मदाकनी गोदावरी गंगा सरस्वती बै हमेश, धन्य वो गांव धाम सोई पावन, अग्नि रहे लवलेश। जटे तीन नदियां बहती रे अर्दम, संत महात्मा रे पास में तीन नदियां रो त्रिवेणी संगम बह। त्रिवेणी संगम में गंगा गोदावरी और सरस्वती, ये तीन नदियां रो जटे संगम बह, त्रिवेणी के प्रयागराज। पर संतों रे पास में भी ये तीन नदियां बह, भक्ति ज्ञान और विराग। धन्य वो गांव धाम वो पावन, जट अग्नि रहे लवलेश, अग यानी पाप नहीं रहे, जी जगे माते ये तीन ज्ञान विराग भक्ति रूपी नदी बहे। तो ऐसे अरकाराम जी महाराज भूमि पवित्र संत विराजे, आनंद बहुत हमेश, कह कबीर संतारी ऐसी महिमा गावे सुरती शेष। जो भूमि पवित्र जड संत विराजे, तो पांचों ही बहन भाई बैठ और भजन करता, तो ये कहीं जैन जैन ही, हाँ वैसे तो
पर आप दरिया साहब रे शिष्य वेगा राम सने सनातन धर्म ने अपना लियो तो जो श्रावक समाज हो वो अरकाराम जी महाराज रो गोर विरोधी बन गए। क्योंकि सजनो धर्म रे नाव माते कट्टरता रा लोग भी ब्याह करे जो धर्म रे नाव माते कट्टरता फैलावे कि भाई ये नहीं मैं तो ये धर्म रहा अपने सब रो धर्म एक ही। वो आदु धर्म जिन्हें सनातन कहो सनातन यानी पुराणो प्राचीन हिंदू जैन बौद्ध फारसी सब सब आपे सनातनी है सिख ईसाई सब सनातन यानी आदि पूर्ण परमात्मा रे द्वारा चलाया गयो धर्म। पर जो वे धर्म रे नाम माते कट्टरपंथी लोग आ वे अरका राम जी महाराज रो विरोध करियो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है वे व्यक्तिगत रूप उस समाज रे पंचों ने ले और अरका राम जी महाराज रे पास में आया मिले सरावक संग दौड़ स्वामी पे आया बिगड़ गए धुर ध्यान जैन निज धर्म समाया अपनी कुल मर्याद मैट मुखासु राम उचारियो कर एको ये गार्ड जना को आई बकारियो जैन धर्म यूं कहे जिना नमो संतत पढ़ो और सकल गुण सावधान एक राम नाम अवगुण बढ़ो। पे जैनी लोग आए रखे कि भाई तू जैन धर्म ने छोड़ दियो और ये क्यों धर्म अपनायो है तो दरिया साहब की ओर एक भाई मैं राम सनई धर्म जो आदु धर्म है वो अपनायो दरिया साहब रो शिष्य बनियो हो तो कहीं दरिया साहब रे परिवार हो कहीं नेम है थारे तो अरका राम जी महाराज एक सवीर द्वारा जो जैनी लोग आवे ने कहो कि राम राम मुख्य कहर दरिया को परिवार ध्यान दे समझो राम राम मुख्य कह दरिया को परिवार उधम करेर ओदर भरेर उज्जवल रखे व्यवहार ये है मारो धर्म। अब ये धर्म सब रही है सजनों उधम करे ओदर भरेर उज्जवल रखे व्यवहार उज्जवल रखे व्यवहार रीत मर्यादनी मेटे अडिग भरोसो आस दास अवगत को बेटे हरका पण पतिव्रत धार के राख एक इकतार राम राम मुख से कहे यही दरिया को परिवार। दरिया साहब रो यही कहो है कि भी रमतीत राम जी रो भजन करो और मेहनत रे साथ में उद्यम करो और उधर भरो उद्यम यानी काम करने में कोई शर्म नहीं कोई भी व्यक्ति काम करो और अपनो पेट भरो। महात्मा कहे कि उद्यम में अवगुण नहीं और जेकर जाने कोई उद्यम में आनंद गणो जो जो साई शेती होई। दादू जी महाराज की उद्यम में अवगुण नहीं है उद्यम में तो आनंद है उद्यम यानी काम करने में काम करे और अपनो गुजर बसर भी करे और अपने परिवारों पालन भी करे आयोडे ने अतिथि ने आदर भी दे भोजन भी देवे। भाई दरिया साहब की उधम करो उधर भरो मुख से शिमरो राम ऐसा सौदा नहीं बने लाखों खर्चो दाम। उधम करो अपने उधर की पूर्ति करो ये ऐसो सौदो तो बने ही नहीं सजनो। अपे मेहनत रे द्वारा धन कमाई और बिरो भोजन करा तो बिरो बड़ो भारी जो लाभ हुआ है मेहनत रे द्वारा की गई कमाई सु भक्ति साधना में भी भक्त आगे बढ़े। इरवास्ते पुराने समय रे महात्मा भैया मेहनत रो जीमता और मेहनत बिरा अलावा कोई सहज रूप में जातो तो भी न पा लेता। सहज मिले सो दूध बराबर मांग मिले सो पानी कह कबीर वो रक्त बराबर जिन में है खेचाता नहीं। सेज में मिल जावे वो दूध जैसे मांगर मिले वो पानी जैसे और जी धन कमाने में खेचा तानी वो रक्त जैसे। जैसे संत नानक जी जब एक जो ये अहमदाबाद में एक भगत रे घर रुकिया हा काना नाम रे भगत रे घर कुछ दिनों रे वास्ते बड़ई रे घर रुकिया हा तो भी समय बैठारा राजा निमंत्रण दियो भोजन वात गुरु नानक देव जी की ओर में राजा रे घर भोजन तो कहीं पानी भी नहीं पियूं। राजा ने ये बात पतु चली कह रहे भी लाला राम काना राम नहीं लाला राम बड़े ही रे घर तो
भोजन करे और मारे घर लोग कहे जल भी नहीं पिए। पकड़ लाओ भी संत नानक ने, संत नानक जी ने पकड़ ले आया। राजा कियो के लाला राम घर रो भोजन शुद्ध कैसे और मारे घर रो भोजन शुद्ध कैसे। तो कियो भाई लाला राम थारे घर बनी एक रोटी ला, एक रोटी तो लाला राम अपने घर से लायो, एक रोटी राजा रे मेल नु आई। गुरु नानक जी दोनों रोटियां ने ऐसे आत्म करी तो लाला राम रे जो घरी रोटी भी रोटी मु तो दूधरी धारा निकली और राजा रे घरी रोटी मु रक्तरी धारा निकली। देख ले भाई राजा, ये जो लाला राम कमावे ये तो मेहनतरी कमाई है और थारे कैरी कमाई है, ये दूसरे खून पसीनेरी कमाई लावा लेवे तू भाई, कमाओ तो दूजार तू ले ले हिस्सो, तो ये लेनो ठीक नहीं है। ये कारण उथारी गरो जो भोजन है वो रख देसो है। तो अरकाराम जी जैन भाइयों ने कहे के उधम करेर ओदर भरेर उज्जवल रखे व्यवहार, यानी व्यवहार उज्जवल रखे, यानी व्यवहार में कोई रे साथ में भी दरिया साहब राशिश कपटता नहीं करे। ये हमारे दरियाव जी महाराज रे परिवार की विशेषता है। कपट यानी कोई रे भी साथ व्यवहार करो तो सच्चाई रे साथ करो, मायने कुछ और बाहर कुछ और भी रे साथ में व्यवहार क्यों जावे तो वो तो भी आंख में धूड़ नेकनी वे। एकदम से निष्कपटता रे साथ में आप कोई रे साथ व्यवहार करो। दगा किसी का सगा नहीं कर देखो रे भाई, कर नहीं देखो तो करिया जी खाना घर देख लो रे भाई। तो कह के रीत मर्याद नहीं मेटे और अडिग भरोसो आस एक परमात्मा रो आस, अडिग भरोसो आस दास अवगत को भेटे हर का पतिव्रत धार के राखे एक तार, राम राम मुख से कह रही दरिया को परिवार। अब सजनों कही यो दरिया साबरी ये बात पे लोगों ने समझ में आई नहीं, तो बी समेरा राजा जो हा जारो नाम हो विजय सिंह। देखो जो अठे बतायो है कि भी राजा रो नाम हो विजय सिंह और मैं बी समय जोधपुर में रहता, तो जोधपुर में रहता राजा विजय सिंह यही रामदास जी महाराज ने देश निकालो दियो। मैं जो समाज रहा कुछ लोग बात करी 18 राजा विजयपाल आ नागौरा विजय सिंह जी आ जोधपुर विजय कहे राजा विजयपाल अंत आखिर नहीं सरसी, न्यात बिना संसार आव आदर कुन करसी, खान पान पेरान करे जाके संसारा, सगा संबंधी गोत कुटुम दुनिया में न्यारा, भूप वचन कहे सुने सुन हरिजन मम देन, नात जात बिन जगत में कुन हमारो सेन। तो वे राजा समझावे रे गरकाराम नात जात बिन कोई सेन नहीं है, ये लोग तने अब न्यातों बार कर दिया। तो अरकाराम जी महाराज के जुरा मरण आवागमन ये सब झूठी जात, जन अरका तारण तिरण पर ब्रह्म हमारी जात। अरकाराम जी के जात हमारी ब्रह्म है। तो कहीं कह के वो राजा रे एक और तकलीफ में समाज रे लोग रे के जो धन्ना भाई है वह भी 20 वर्ष री हो गई है री शादी नहीं करे, क्योंकि बी काल में बच्चों री जल्दी ही शादी कर देता। तो ये धन्ना भाई है जो 20 वर्ष री वेगी तू शादी नहीं करे, वर्ष 20 लग धन्ना भाई दिन दिन राम नाम लीव लाई, बाया नैचे प्यूकू दियावे आन उपास सबे छिटकावे, प्रथम जाई पुकारे लोई नरपत द्वार खड़ा जो होई, जैन धर्म को जान उड़ाओ ऐसो दो अपराध करायो, जारे घर में कन्या कमारी और दोष लगे राजा रो दंड भारी। और थारे घर में जो कन्या है और वो भी जो शादी नहीं करी है, सजनों भी समय धन्ना भाई कहे कि देखो हे राजा मैं शादी करने वाली नहीं हूं, मैं पूर्ण परमात्मा रूपी पति ने वर लिया हूं, मैं शादी करने वाली नहीं हूं। वो भजन आवे नहीं कि नहीं जो सासरी माने मिल गया सृजनहार। राजा विजय सिंह जी कोप करे क्योंकि देखो सजनों
राजा रे सामने कोई बैल देता तो राजा ने राजा री बात ने ठुकरानी, राजा ने सहन नहीं वेती, कह रहे तू मारी बात ने नहीं माने। तो अरकाराम जी महाराज के पश्चिम सूर्य उदय हुए, राजा तो ही नहीं छोड़ू राम, न्यात जात घर गांव से माने कछु नहीं काम। ये सूर्य पूर्व री जगह पश्चिम में उदय हो जावे ना तो ही राम से नहीं धर्म नहीं छोड़ू, गुरु धर्म नहीं छोड़ू। दरिया साहब रो शिष्य हो, दरिया साहब रो शिष्य हूं, दरिया जी महाराज रो शिष्य रहे हूं। ऐसी सच्ची टेक हरकाराम जी महाराज और आपरे पूरी परिवार ही। सजनों धन्य है ऐसे भक्ता ने जो नाम रे प्रति ऐसी टेक राखी। गायो है बाणी में पावक ने जो चमरी रामा पावक ने जो
चरणे हरि गुण गाओ जीवन सुधरे हमारी रामा जीवन सुधरे चरण दास सुख देव दया कर चरण दास सुख मिट गई संत महापुरुषों की जय। संता सो पकड़ी सो पकड़ी कैसी जो टेक वह परमात्मा रे नाम में अपनी धर्म रे प्रति अपनी टेक रहे निष्ठा रहे। यदि आप बताओ के राजा ऑर्डर कर दियो के भाई या तो राम सनी धर्म छोड़ और या फिर मारे जो जोधपुरी और जो ये सीमा छोड़ दे जोधपुर नागौर ये एक ही रियासत ही जोधपुर रियासत ही। या तो आप धर्म छोड़ दो राम से नहीं धर्म और या मारो मुल्क छोड़ दो। सजनों हरकाराम जी महाराज और पांचों बहन भाई भी समय ही बहुत दुकाना ही बड़ी बड़ी बड़ो काम धंधो व्यापार बाकी भाई करता है भी जगह माते ही बहने सब ने छोड़ और क्यों राजा मैं थारे देश में नहीं रहा मैं तो राम जी के देश में रहने वाला हूं और चलिया गया भी समय नागौर ने छोड़। बताओ आप अभी ऐसी परिस्थिति अपने बन जावे तो सजनों अपने दिल में कच्चा उठा इतनी सच्चाई नहीं है जीती वे महापुरुष हमारे जीवन में ही वे अपनो सब कुछ न्योछावर कर दियो तन मन धन सब थारो और चाहे शीश काट लो मारो यही तो वे समर्पण। डिगिया डोलिया नहीं अपने धर्म सु जीव में विपरीत परिस्थिति भी आई। सुखराम जी महात्मा कहो कि हरिजन सुरा भीड़ पड़िया लिव दूनी रे भगवान रे भगत सुरवीर ही तरह वे भीड़ पड़े जीवन में कष्ट आवे भी समय बेरी राम जी महाराज रे प्रति लिव ले जी की दूनी लाग जावे। बताओ आप जीव हरियल ने लकड़ी हरियल जो पक्षी है वो लकड़ी नहीं छोड़े हरदम अपने हाथ में पंजे में लकड़ी ने पकड़ी उड़ी ही रखे टेक कैसी हरियल हरियल पक्षी जैसी टेक कैसी जो सुरा ने शस्त्र लिया बनिया लीनी तकड़ी जो सती लेवे सिंदूर और तार गयो जो मकड़ी सुरवीर युद्ध में जावे पीछे मुड़ नहीं देखे के युद्ध क्षेत्र में मैं मर गयो तुम्हारो कहीं वे मारे पुत्र परिवार रो कहीं वे नहीं वे कायर युद्ध में जा ही नहीं सके जाए तो हार ना आए। सुरवीर तो जो युद्ध में जावे तब महात्मा कहे के महात्मा कहो है के सुरा रे तो शीश नहीं और दाता रे धन नाई पतिव्रता रे तन नहीं जीव बसे पीव माए सुरवीर वे ना मेरे शीश वे ही नहीं मा तो नहीं वे तो मा तो पहला एक तरफ मेले भी नहीं युद्ध में जावे भाई बड़े बड़े जो सुरवीर विया जारा प्रमाण अपन देखा तो बे अपने मस्तक की परवाह नहीं करी ही धर्म री रक्षा रे वास्ते बहन बेटियों री रक्षा रे वास्ते गायों री रक्षा रे वास्ते अपने प्राणा रे बलिदान दिया हा कहीं बहन ठाको नहीं कि भाई युद्ध में मृत्यु भी हो सके है पर बे मरना डरे नहीं बाजे रे भिड़ भारत सामो सूरा सतनी आ रे दोनों पकवाड़े जसे बेरोर के मरेर के मारे पर सुरवीर चाहे युद्ध में जीतो रारो दोनों तरफ ही जस है। अरे सेना रे माते सेना में जावे रे वो छाती में गोली खावे ना तो वो मर जावे तो शहीद रो दर्जो मिले और मेरे मात पिता ने राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मिले और यदि आतंकवादियों ने मार देवे तो भी बिन पुरस्कार मिले। बताओ आप सुरा रे शीश नहीं दाता रे धन नहीं दातार जो है बिरे धन कौन वे वो तो दान दातार और कहे कि नहीं
भाई जी समय राजा बलि रे राजा बलि ने छलन वास्ते बावन भगवान आया हा बी समय गुरु शुक्राचार्य जी कहीं कहो गुरु शुक्राचार्य कहो कि ये बात और है जो तीन पौंडा जमीन मांग रही हो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है तन छल रिया कोई पर फिर भी वो दानी बलि का ही बोले कि मारे धन है ही नहीं समय सर्विस अर्पण कर सकूं जदि तो कह के भाई दानी वे जब तो बलि जैसो दाता रे धन नहीं वे कह नाव तो दाता रे बजे पची दातारी करे नहीं तो वो दाता रहे नहीं दान पति तेरा गुण के मार कछु दिया नहीं दाना तो दाता रहे बिरे धन नहीं रहे बिरो धन परमार्थ निमित्त ही लूटे और पतिवर तारे शरीर नहीं वे बिरी सुरती के में रहे बिरी सुरती अपने पति में रहे ऐसे जो भगवान रा भक्त वे है सुरवीर तरह रिया करे है पतिवरतारी तरह रिया करे है एक दातारी तरह और दिल इतो विशाल रिया करे जो सुरा ने शस्त्र लीना और बाणिया लीनी तकड़ी यानी सुरवीर ध्यान केवल युद्ध में है ऐसे भक्त रु ध्यान केवल अपने कल्याण मात्र रहे बाकी चीजों वो डरे डिगे नहीं बाणिया लोग ताक ने देर जी टेम तोले ने बिरे अपन जड़ा कई कन बैठा रहे और दूजी बात करे पर भी बाणियारो ध्यान के में रहे बाणियारो ध्यान ताकड़ी में रहे वो अपने गप्पा दिखन ध्यान नहीं लगावे बाणिया लेनी तकड़ी बिरु ध्यान है जो तकड़ी में ज्यो सती लेवे सिंदूर और तार गयो ज्यो मकड़ी सती पति री साथ जलन नहीं जावे तो वो अपने बेटो री परवाह नहीं करे वो तो अपना शरीर ने पति री साथ हवन कर दे जीव कामी को कामण प्यारी लोभी ने दमड़ी ऐसे हमको राम प्यारा जीव बालक ने ममरी जीव कामी को कामण प्यारी लोभी ने दमड़ी लोभी ने धन की तो प्यारो है कैस कैसरी भुजंग मणिर पतिव्रता से गात सुरारो शस्त्र लोभी रो धन वो तो मरिया ही आवे हाथ कितनी अच्छी बात कही है कि शरीर जो सिंह रहे ना वो जीते जी बीरे शरीर में तो कोई बाल नहीं पाड़ सके शेर रो बाल कौन पाड़े भाई बताओ कोई हाथ लगा सके बीरे और जो मणिदारी सर्प रहे वो जीते जी बीरी मणि ने कोई नहीं चुरा सके पतिव्रता नारियों कोई घात नहीं कर सके लो बीरो धन सुरारो शस्त्र सुरवीरो शस्त्र को नहीं सके कोई जब तक वो जीतो रहे मरिया रे बाद में ही बीरो कोई शस्त्र कोसो और जो लोभी वे बिरुदन बिरुदन जीवता जीवता खून लादे वो मरिया बची लादे अरे मरिया बची दोरो लादे वो गांठ कटी गाडर जावे जो को लादे को नहीं कोई संतान चाहे हो दो कई भेज जाते कौन लादे तुम आत्मा कहे भाई कामी ने कामण प्यारी लोभी ने दमड़ी ऐसे हमको राम प्यारा और ज्यो है बालक ने ममरी बालक ने माँ कितनी प्यारी लगे बताओ आप छोटो बालक दूसरा न कहने जाए रोई माँ का नावता ही चुप हो जाए बस मैंने अपनी माँ ही प्यारी लगे ऐसे ही और लिखे ज्यू दीपक ने तेल प्यारो दीपक ने कहे अच्छो लागे है तेल तेल रहे तो दीपक री ज्योति कैसे आगे बढ़ती जा ज्यू दीपक ने तेल प्यारो और पावक ने छवरी पावक यानी अग्नि अग्नि ने छवरी कितनी जोगी लागे एक चिंगारी पड़ जाए तो पूरी छवरी बाल दे पावक ने जीव छमरी और मछली ने नीर प्यारो और बिछड़त देखी ममरी प्रीति कैसी वे गुरु भक्तरी अपने धर्म में जीव मछली री पानी में प्रीति वे पानी में कई तरह रे जीव रहे मछली रहे मेंढक रहे कच्छप रहे और भी अन्य जीव रहे पर सजनों बाकी जीव तो पानी उबारे भी रह सके बाकी जीव पानी से उबार रह सके पर मछली ने पानी उबार निकालते ही बीरी मृत्यु हो जावे ऐसे भक्त ने कोई भक्ति छुड़ा देवे तो ऐसे बीरु प्राण भी छूट जावे आज हरकाराम जी महाराज कहे कि राजा मैंने बाहर निकाल दो पर मैं ये छोड़ू नहीं राजा निकाल दिया बाहर निकल गया देखो भक्ता में कितनी तो दुख पड़ियो आ थोड़ो थोड़ी बहुत भी प्रतिकूल परिस्थिति अपने जीवन में आ जावे तो आप संतान ने राम जी ने कहीं कहीं गालियां काटा बताओ
संतारकन जावेर भी दुख आई गए ना तो वो पहला गाड़िया संता ने राम जी नहीं काटे कि मैं तो राम जी मानू ही को नहीं बोलो राम जी तो है ही को नहीं तो थारे केवण राम जी वे नहीं भाई थे यानी थोड़े दुख में भी विचलित हो जावे चलिया गया उठू बूठू चलते चलते महाराज मेवाड़ प्रदेश में गया मारवाड़ छोड़ मेवाड़ चलिया गया जन मेवाड़ में भी समय पैदल चलते चलते आप गया ये शाहपुरा शाहपुरा रा आदि आचार्य रामचरण जी महाराज ने पतो चलियो जदी बात रो के दरिया साहब रे श्री सरकार राम जी महाराज आ रिया और मैंने राजा है जो देश निकालो दे दियो तो चलते चलते आया तो रामचरण जी महाराज री जो वेशभूषा आई वो कहीं करता के एक ही चादर पहनता और आप कभी रामचरण जी महाराज तस्वीर देखो रामचरण महाराज का कठिन त्याग वेराग सीता सुता सिंह जगाव्यार उठे पलीता आग धार खांडेरी बेना काजल रे गरमाई उजला कपड़ा रहना उजला कबूनी लागे दाग रामचरण महाराज रा अति कठिन त्याग वेराग बड़े त्यागी वेरागी महात्मा हा वे आया अपनी संत मंडली रे साथ अरकाराम जी महाराज सुमिलने वास्ते मिलने वास्ते आया जो देखो वाणी जी में प्रसंग आवे कि मिलने आया जना रामचरण जी महाराज और अरकाराम जी महाराज नु मिलन हुयो अरकाराम जी महाराज जो वेशभूषा रखता वो बिल्कुल एक आप अरकाराम जी तस्वीर देखो तो मूछा रखता ऐसे बड़ी बड़ी और माथे एकदम से पगड़ी रखता धोती पहनता जामो पहनता और कटारी रखता कड़िया में यानी एक वेशभूषा जैसे वृत साधुरी रहे ऐसे वेशभूषा नहीं। तो रामचरण जी महाराज सामी आया और अरका राम जी ने पूछे के अरका राम जी महाराज कटे है दरिया साहब रे शिष्य तो अरका राम जी महाराज कहे आप भूलू ये महाराज जी अरका नाम मारो ही है अरको नाम मारो ही है। तो रामचरण जी महाराज तो एकदम साधुरी वेशभूषा में तो रामचरण जी महाराज के माफ कर जो आप रे वो राजा साई पैराम देख रहे में आपने ओळख्या को नहीं कैसे साध पहचानिए कैसे कीजे आग करमे लोटो धातकोर कड़िया कसी कटा पैरण जामो पाग करमे लोटो धातरो पैरण जामो पाग पैरण जामो पाग कमर में कसी कटारी मोरा लदियो बार दिशन का संसारी रामचरण दिशे नहीं राम जनारा दाग और कैसे साध पहचानिए कैसे कीजिए आग रामचरण जी महाराज के मैं आपने पहचानिया नहीं माफ कर जो क्योंकि आप रे जो वेशभूषा साधुरी नहीं रामचंद्र जी महाराज देख ये पापिस कहीं जवाब देवे चुप होवे कुछ जवाब दे तो अरका राम जी महाराज निवेदन करे चरणों में कि क्या जामा क्या पागड़ी क्या तुम भी लंगोट भजन बिना उतरे नहीं सिर पापा रिपोर्ट सिर पापा रिपोर्ट खोट तो दे मैं भाई एक कपड़ा में कहीं दोष रीश ने कर दो उतराई अरका अरविंद नहीं मिटे जम जालम की चोट क्या जामा क्या पागड़ी क्या तुम भी और क्या लंगोट कितनी अच्छी बात है अरका राम जी महाराज जी कहो के भाई बाहर तो चाहे गुरु जी कैसी वेशभूषा वो और अंदर में मेलो है अंदर में विकार भरिया है तो वो बाहरली वेशभूषा कोई काम नहीं आवे तो कह क्या जामा क्या पागड़ी क्या तुम भी लोड भजन बिना उतरे नहीं पापा रिपोर्ट भजन तो कोई भी कर सके भजन कोई भी वेशभूषा में हो सके बताओ आप एक तरह की सबरे वेशभूषा थोड़ी है अभी आप बैठा हो सबरे अलग अलग वेशभूषा है तो वेशभूषा तो वही वेश है आनंद उन देश रो रे जोगिया चलो उन देश में कर लो जोगी रो वेश काना में मुद्रा जोगरा ज्ञान जटा सिरधार चोड़ो भक्ति विवेक रो धीरज आसन मार शैली सत बैरागरी शील बबूती लगाई जतमतरी सिंगी करो रे जोगियां बारंबार बजाई इन बाना से राम मिले अमर सुहागण होई समझावे सुखदेव जीर चरण दास चित जोई
आनंद उन चालो उन देश मेरे जोगिया कर लो जोगी रो वेश। तो सजनो बारी वेश नहीं दादू भीतर भेद लिया वास्तु में भीतरता भीतर मुँह अपने अंदर छल कपट नहीं है तो ही अपनो कल्याण ले। रामचरण जी महाराज बड़े प्रसन्न भी हरका राम जी महाराज रो ये उत्तर सुन कि वाह वाह कैसो जो प्रसन्न रो एक सटीक उत्तर दियो है। संत तो कोई बात में सत ही कहे सजनो सार ही कहे। तो महाराज रे कहने रो यही भाव है कि भाई अपने जो दिल है अपने दिल रे अंदर जो खोट है दिल अंदर जो विकार है ये विकारों ने आपा मिटाला और दिल में भक्ति भाव अपने अंदर जागृत वेला तो ही अपनो उद्धार वेला तो ही अपनो कल्याण वेला। ऐसे रामचरण जी महाराज सु वार्तालाप कर साप पूरे एक दिन रुक और मांडलगढ़ सुईस्तान चरण मुथाले धारिया। मांडलगढ़ जो उधर ही मेवाड़ में मांडलगढ़ पड़े है उधर महाराज जी अपना चरण धारिया यानी बूठे प्रवेश हुआ। बोलो राम जी महाराज की। अपने मध्य में मेड़ता लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण राम जी कलरू आज अपने मध्य में पधारिया है। एक बार जोरदार ताली रे साथ आप रो स्वागत पधारो साहब वाणी जी माल्यार्पण करो राम जी रा। बहुत ही सुंदर श्री लक्ष्मण राम जी और साथ में कलरू निवासी सब कलरू गांव देखो परशुराम जी महाराज री पावन भूमि और लक्ष्मण राम जी जारो भी बहुत भाव है सत्संग रे प्रति संतों रे प्रति आपरी विशेष भावना रही है। राम जी राम राम जी राम। आप पूर्व में भी बहुत संतों री सत्संग में जदबी में मेड़ता क्षेत्र में कोई भी आयोजन हुए तो विशेष लक्ष्मण राम जी सत्संग में आया करे बहुत सत्संगी जीव है। तो आज ही समाचार या के आर्या में तुम्हें क्यों पधारो आप स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बोलो राम जी महाराज की। तो रामचरण जी हरका राम जी महाराज पधारिया ये मांडलगढ़ आदि अंतरी बात संतासु देख चलायो दादू ने अहमदाबाद गुजरात छुड़ायो। देखो सजनों ये परापरी रीत है संत भक्त ने कष्टियो है भी काल में ही ये राजा यही राजा विजय सिंह खेड़ा पारा आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज ने देश निकालारो फरमान दे दियो कि एक मेघवाल परिवार यानी कि वो राजा तो ही दृष्टि में देखते देखो संतरी कोई जात नहीं हो पर राजा री जो दृष्टि संसारिक दृष्टि में जात पात है कि भाई ये फलानी जात रू फलानी जाति रू। तो रामदास जी महाराज जो भगवान का भगतार हजारों जीव महाराज री शरण में आयर भक्ति करी तो क्यों एक रामदास जी महाराज जारो एक तो नाम आगे बढ़ रही है तो राजा आदेश दे दियो विजय सिंह जी कि रामदास जी महाराज ने कहो कि जल्दी में जल्दी खेड़ा पो छोड़ दे। खेड़ा पो कौन जान तो छोटो सो थो गांव रामदास जी प्रगट भयाजन चारों फूट में नाव खेड़ा पेन कौन जान तो सजनो पर रामदास जी महाराज जैसे सतपुरुषों रो आगमन भी हो और ये राजा खेड़ा पारो नाम प्रसिद्ध हो राजा द्रोह करियो श्री रामदास जी महाराज ताकले रे ठाकर जो हा अभी किशनदास जी महाराज द्रोह करियो और हरका राम जी महाराज सु ये राजा विजय सिंह द्रोह करियो भगवान रे भक्तों विरोध हेतु आयो है। तो महाराज तो पधार गया मांडलगढ़ और श्री रामदास जी महाराज पधार गया मालवे। महाराज जी मालवे पधारिया जब देखो सजनो बीच समय राजा विजय सिंह जी में कितनी आपत्ति पड़ी मेरी पत्नी गुलाब कंवर मर गई और एक ही बेटो जो एने खुद ने ही जेल में डाल दिया पिता ने ही पिताजी ने जेल में डाल दिया और बड़ो भारी जो एरे घर में संकट पड़ियो विषय में चांदावल राज जो ठाकुर हा मैं समझाया मैं कने रोया ये वृद्ध व्यक्ति हा चांदावल ठाकुर तो क्यों रे अरे थे बड़ो जुलम कर दियो
कई जुलम करियो कि खेड़ा पारा मान संत श्री रामदास जी महाराज ने आप देश निकालो दे दियो, और नागोरा संत हरकाराम जी महाराज जो जेनी है बहने देश निकालो दे दियो, बहने वापिस अपने देश में पदरावणी करो तो ही अपने वापिस सुखरा दिन आ सके। इधर अकाल पड़ने लगा, राजा दोनों महापुरुषा ने संदेश भेजा, हरकाराम जी महाराज भी पधारिया और रामदास जी महाराज भी पधारिया और वापिस अकाल की जगह सुकाल हो गयो। जदि तो कहे के कुल रू कारण है नहीं, सुमरे यारो साई सुमर सुमर निर्भय भया देव दर्शया दह माहे। ऐसे जो हरकाराम जी महाराज वापिस नागौर पधारिया, बहुत वर्षों तक रही और हरकाराम जी महाराज भक्ति करी और कहे हरकाराम जी महाराज अपनी अनुभव दी वाणी लिखी। ये हरकाराम जी महाराज की अनुभव वाणी है, देखो दर्शन करो आप। ये टांक ले रहे जो किशनदास जी महाराज ब्याह, ये किशनदास जी महाराज री अनमोलक वाणी है। बताओ वह वाणी रूप में कुछ साखियां है, क्योंकि छोटी वाणी है महापुरुषों री। ये वाणी जी महाराज पूज्य हरकाराम जी महाराज भजन कर और अनुभव करियो। और सजनों अनुभव री वाणी कैसी ब्याह करे कि अनुभव वाणी संतदास ये मदवा की गाज और छकिया बोले प्रेम सेर नहीं किसी की लाज। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेवे न, शराब तो पिए छाने बैठे, शराब तो एक बार जाहिर पुई कि कोई देख नहीं लेवे, पर भी नशो आवे जना, नशो आवे जन मैदान ना आवे वो, पर मैदान में आयर किसी बात के वे बताओ के हाची हाची के वे। हकीकत है ये जो शराब पियोड़ो आदमी वे वो झूठ गुन बोले, वो कहीं करे कि अपने जो मंदरी लुकी छुपी बात है वो ही प्रकट कर दे। ऐसे ही जो महापुरुष है ना, ये भगवान की भक्ति तो एकांत में बैठ करी, पर जिस समय भक्ति रो जो नशो है में आयो, बीस समय ये मैदान में आयर बोलिया नी तो राजा हूं डरियार नहीं बादशाह हूं डरिया और नी कोई और बात हूं डर, और सच सच बात ये जनता रे सामने कही सकनी। आत्म अनुभव ज्ञान के जे कोई पूछे बात जो गूंगा गुड़ खाए केर कहे कौन मुख स्वाद। प्रेमदास कहता नहीं कहता है ओरे, अरे जीव तुम्बा दरियाओं में उलकत है ओरे। वस्तु विचारत ध्यावतेर मन पाया विश्राम, रस स्वादत सुख उपजेर अनुभव या को नाम। अनुभव चिंता मणि रतन अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को और अनुभव मोक्ष स्वरूप, अनुभव ही जो मोक्ष रूप या करे है। ऐसे महाराज अपनी वाणी में हरकाराम जी महाराज री वाणी बड़ी सुंदर वाणी है। ये वाणिया आज भी विशेषते संग्रह मेड़ता देवल में मिले हैं, मेड़ते देवल में राम किशोर जी महाराज जो अभी विराजित, ये सब सद ग्रंथारो जो लेखन करे। और आज सजनों ये जो महापुरुषों की वाणी है ये अपने अपने धरोवर है, ये अपनी संतों री भक्तों री किशनदास जी महाराज री वाणी देखो आप। पूज्य किशनदास जी महाराज आप रो जन्म टांकले में भी हो, आप भी दरिया साबरे जो प्रमुख शिष्यों में है दासाराम जी मेघवाल, और आपरी पत्नी रो नाम हो मही देवी। मही देवी री कोक में श्री किशनदास जी महाराज रो जन्म यो। ये भी अपने हरकाराम जी महाराज रे समकाल में विया, क्योंकि ये दोनों एक ही गुरु रा शिष्य। तो रामदास जी महाराज किशनदास जी महाराज री भी भक्तमाल में महिमा करी के किशनदास काम को मैटिया उल्टा चढ़िया अगमगर भेटिया, मेघ वंश में संत जो सर निज परसत नूरा। सुखराम दास शब्द सत शब्द संभाया, मन को ले खुरसान चढ़ाया। पूर्ण दास प्रेम रस पिया और सदगुरु सरने जुग जुग जिया। किशनदास जी महाराज के बाबा रामदास जी महाराज के जो काम ने मेट दियो और भक्ति साधना रे द्वारा दसवीं द्वार री प्राप्ति किशनदास जी महाराज करी। मेघ वंश में संत जो सुरा और दसवें द्वार निज पर सत नूरा। ऐसे किशनदास जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज सुनाम दीक्षा लेवी रेण आई
और भजन करियो। और सजनों, किशनदास जी महाराज जारी इस शिष्य परंपरा में हरिदास जी महाराज भीया, हरिदास जी रा शिष्य भीया सावणदास जी, सावणदास जी रा बिरमदास जी, बिरमदास जी रा ही शिष्य भीया सदगुरु सुखराम जी महाराज, ये भी बहुत बड़े भजनानंदी केवली महात्मा हा। जारी आज भी वाणी जी महाराज है जो रामसने संप्रदाय में सबसे बड़ी वाणी आप रही है, जो अभी हस्तलिखित है बिरही धाम में। ऐसे ऐसे ये रामसने संप्रदाय री जो रैणरी परंपरा है, ऐसे ये गौरवान्वित भी। और किशनदास जी महाराज रे एक शिष्य भी मैगोदास जी महाराज जो चाडी धाम में भी आ, अभी चाडी रा दर्शन करिए, अठे हरिदास जी भी आठ मैगोदास जी भी आ। मैगोदास जी तो इतने बड़े महात्मा आके पूछो क्यों आप, राजा लोग है भी विरोध करियो। किशनदास जी महाराज और मैगोदास जी महाराज एरो भी अवतार मेघ वंश में ही भी हो। सहज राम जी महाराज ये भी मेघ वंशी महात्मा है। तो देखो भाई, धन्य है भी कुल ने, धन्य है भी जाति ने, जी जाति में संत महापुरुष अवतरित हुआ है। भजन करे वही संसार में बड़ो है सजनो। राम जी री भक्ति करी वही परमात्मा रो प्यारो है, वही परमात्मा रो प्यारो अंश है। तो ऐसे दरिया साहब री जो अनुभव वाणी रही दिव्य प्रसंग ने अपन पिछले 5-6 दिन से सुन रिया हाँ, जिमें अपन उदयगिरी कस्तूराम भाई पूर्णदास जी कुचेरा गांव जटे में अपना आश्रम में बूठे भी एक शिष्य भी नानक दास जी महाराज बड़े अच्छे बहनानंदी केवली महात्मा भी आ। तो ये जो परंपरा है ये गुरु और शिष्य परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा में अनेकों जो संत महात्मा भैया जो भक्ति करी और अपनों कल्याण करियो, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन है। आओ एक पदरी द्वारा अपना अर्कारम
फरमावे कि चलना रे नर विलंब नहीं करना। किधर चलने रो संत उपदेश दे रिया है कि जी तरफ यात्रा कर, दादू कर साई की चाकरी, ये हरि नाम नहीं छोड़, और चलना है उस देश को प्रीति पिया से जोड़। जीव ये देश में सदा रहना नहीं है, महात्मा जी तो गाने गाठे रहना नहीं, देश वीराना है, वीराना है, आखिर जाना है, ये देश में सदा नहीं रहना है। तो अपनो लोक, अपनो घर, अपनो असली ठिकानो परमात्मा रे लोक में चलनो है तो भक्ति प्रारंभ करो, विलंब नहीं करनो है। सजनो, अच्छा कार्य में कभी भी विलंब नहीं करना। अच्छा कार्य में जो प्राणी विलंब करे है, वे प्राणी ने अंत में पछताना पड़े है। इस वास्ते अच्छो काम कल नहीं, आज और आज नहीं अभी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो सिर बौरी करेगो कब। तो कहे महात्मा के देख देख पग धरना रे, और धरो और ध्यान राखो चित चरणा, और प्रीति पियाजी से करना। ध्यान परमात्मा रो, प्रीति परमात्मा री। तो महात्मा जी अगले चरण में कहे कि साध संगत हृदय में राखो। ये महात्मा रा जो शब्द है, संतारी वाणी है, इन्हें अपने हृदय में स्थान दो, हृदय में रखो। सजनो, ये मुख्य चीज है, हृदय ही है ना। कहने के शब्द रू बाण है जो को हृदय में लागो है, तो हृदय में ही संतारी वाणी ने उतारो। हृदय में दूसरी बाता मत रखो, संतारी सत्संग हृदय में रखो। दूसरी जो दुनियारी कचरा पट्टी री बाता है, ये हृदय में नहीं रखनी। पर बात कहीं वे कि आपने जो बुरी बात है भी ने हृदय में रखा, और अच्छी बात ने हृदय से निकाल दा। अभी कोई थोड़ो आडो डोडो बोल दियो है, कोई गलत बोल दे तो कई वर्ष भी बात ने भूले नहीं, कि नहीं तो कहीं क्यों मने याद है। 10 वर्ष पहले कहीं क्यों वो बात याद है, 10 वर्ष पहले कोई गलत बात हुई, कोई गलत बोलियो, वो याद है, बिन हृदय में रखी है। और अठे माइक लगाए नीते जोरू काम है, बात ने याद नहीं रखते, वे बाता ने भूल जाओ। और भूलिया सजनो ठीक नहीं है, दुनियारी कोई बात कोई दो गलत शब्द कह दिया, अपनों कोई अपमान कर दियो, कोई कड़वो बोल दियो, भी बात ने याद मत रखो, भी बात निकाल दो बार, क्योंकि वो बात हृदय में रखो तो वो दुख दे अपने। भी बात ने सोचा फिर चिंतन करा तो वापिस अपने दुख ही मिली। बताओ, दुख रे बारे में सोचा, दुख मिली। हृदय में वे बाता ने निकालो, और हृदय में ये महापुरुषाणी जो बाता ने धारण करो। हृदय में झूठ कपट री बकवाद और ये कचरा ने अपने हृदय में नहीं रखना।
साध संग तिरदा में राखो दूजी दुबधिया बिडारो समता साच रखो रे भाई और रमता राम ने दी जाओ। रमता राम जो है परमात्मा रामचरण जी महाराज के रमतीत राम गुरुदेव को वंदन बार अनंत। तो कहे रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित्यू काल की संत रामचरण तिनकू वंदन बार अनंत। तो और कहे के कलजुग देख डरो मत कोई कलजुग खोटो नाई सत्युग हीरा कूप में लादे रब हीरो कटोरा माई। अब एक बात कही रे मानो ताल दे बात ने के कलजुग है बल्कि सजनो सब सुश्रेष्ठतम को युग है तो ये कलयुग। सुखसारण जी महाराज जो टालनपुर में भी आप अपनी वाणी जी में एक अंग लिखियो युग निर्णय का अंग युगारो निर्णय करियो। तो युग निर्णय रे अंग में लिखे कि एक दिन चारों भूप चलत ही हरिपुर आए और बड़पण को अभिमान न्याय हरि आप चुकाए। एक दिन ये चारों ही युग सत्युग त्रेतायुग द्वापर युग और कलयुग ये चारों युग भगवान विष्णु रे पास में गया। और क्यों गया कि भगवान ये बताओ कि मैं चारा मु बड़ो कौन है। तो सत्युग त्रेता द्वापर युग ए कहो रे तू मारे साथ क्यों चाले रे कलयुग तू तो गिनती में भी नहीं है। वो क्यों चालू तो भाई युग तो मैं ही हूं जैसो भी हूं। चारों ही युग भगवान विष्णु रे पास में गया। जन भगवान विष्णु ध्यान करता है ध्यान समाधि में जो बैठा है। तो प्रथम में कह करे एक सत्युग जावे प्रथम सत्युग गयो तो विष्णु आंख नहीं खोले और त्रेता रे सामी देख बैण मुख से नहीं बोले। जब सत्युग गयो जब तो भगवान की आंख बंद ही भगवान कुछ भी नहीं बोलिया वो प्रणाम कर अपने स्थान में बैठ गयो। अब दूसरे नंबर युग गयो त्रेतायुग त्रेतायुग प्रणाम करिया तो भगवान आपकी आंख खोली ही पर बोलिया कुछ नहीं। त्रेता सामी देख बैण मुख से नहीं बोले द्वापर से मुख बोल कहो तुम बैसो आई और कलयुग से ऊट मिलिया आओ रे भूख न्याई। द्वापर युग गयो तो द्वापर युग जब प्रणाम करे तो भगवान बोले बैठो भाई इतो ही बोले आओ बैठो। पर कलयुग गयो जब भगवान आप स्थान छोड़ और कलयुग ने अपने गले लगा लियो। जब तीनों विस्मयी भयेर मन में कियो विचार कलयुग रो सम्मान क्यों क्यों मारो तिरस्कार। अब तीनों युग नाराज हो गया अरे भगवान आप मातीना रो अपमान करियो और ये कलयुग रो विशेष सम्मान करियो। तो भगवान बोले कि भाई थे नाराज मत हो वो अभी निर्णय करूं। तो सत्युग ने कहे भाई बोल थारो कहीं आओ थारे युग में कहीं रचना ईर थारे थारी न्याय प्रणाली कहीं ही। तो सत्युग प्रथम में कहीं बोले कि सत्युग कह कर जोड़ दुष्ट कर्म होवण नहीं दियो कियो देश को नाश राज में ऐसो कियो। सत्युग कहे यदि एक व्यक्ति पाप कर ले तो बीरी सजा भुगतान पूरे देश ने करनी पड़ती। यानी बीरो कुछ पांतिरो हिस्सो पाप रो है जो देश रे सारे मिनखो माता थे ये मारे युगरु न्याय हो ठीक है भाई। द्वापुर बोले द्वापुर को ओ न्याय त्रेता बोले जब युग बोलियो दूसरो और सुनो न्याय ममनाथ सुख सारण यू त्रेता कहर कर दियो नगर को नाश। के मैं देश रो तो नाश नहीं करियो पर नगरी रे लोगा माते जो वो पाप एक व्यक्ति करतो तो पूरी नगरी ने भी पाप रो थोड़ो परिणाम भुगतना पड़ता। तीसरे नंबर बोले त्रेता और द्वापर युग द्वापर को न्याय पाप कुल में हो आयो और कियो कुटुंब को नाश वो राज में रेण नहीं पायो। सत्युग तो कहे पूरे देश रो नाश कर दूं एक पाप करे तो और त्रेता कहे एक देश नहीं नगरी रा लोगा ने दंड देऊं पूरा ने और द्वापर कहे के भी कुटुंब ने मैं जुको नरक में भेज दूं। तीनों युगारो न्याय
सुनियो श्रवण भगवाना और रेथे करियो अन्याय करू मैं कहीं सम्माना। तो भगवान बोले रे थे को कि मारो सम्मान करे थे तो अन्याय ही अन्याय करियो, सम्मान कैसे करू। वो कोई न्याय हो तो कलयुग कहे, कलयुग सुख सारण कलयुग कहे सुनो न्याय मम नाथ करसी सोई भुगत शीर पाप पुण्य उन्हा। कलयुग बोले कि मारो ये न्याय है कि करी जी कोई पीपा पाप नहीं कीजिए, अलगा रहिए आप करणी जासी आपरी कुण बेटो और कुण हा। जो अपनी ही करनी पार उतरनी है कलयुग में, ये कलयुग रु न्याय। कलयुग भिड़ी है भगत को और बिन भक्ति दुखदाई, सुख सारण निंदा करे वो नर नरक में जाए। सुख सारण जी महाराज के युग में कोई दूसरा ने निंदा करी, दूसरा ने आलोचना करी, दूसरा ने बुराई करी और पाप कटरा भाव रखी वो नरक में जाए। और देखो कलयुग में दो और विशेषता, बाकी युगों में देखो सत्युग में सत राखनो पड़तो, त्रेता में तपस्या करनी पड़ती, द्वापुर में होम यज्ञ आचार करनो पड़तो। सत्युग में सत, त्रेता में तप, द्वापुर होम यज्ञ आचार, कलयुग केवल नाम आधार सिमर सिमर नर उतरो पार। ये कलयुग में सबसे श्रेष्ठ और सरल साधन है राम जी रो नाम, अन्यत्र कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एक नाम रो शरणों पकड़ लो। तीसरो गुण के पुन मंचा हो जाए पाप तो क्रिया लागे, बाकी युगा में मंचा पाप लाग जाता। जैसे कोई किरो बुरो विचार ले तो पाप बन जातो, पाप बन जातो, पुराने युग में मनरो भी पाप लग जातो। और कलयुग में कहीं एक पुन मंचा हो जाए पाप तो क्रिया लागे, कलयुग में कोई रे बारे में बुरो सोचा पाप तो कौन लागे, अंत्यकरण तो मेलो वही है पर पाप नहीं लागे और मनचा पुन हो जावे के भाई इतो बड़ो आयोजन हो रही है उदाहरण ते, तो भाई कोई विचार करे कि मैं मने भी परमात्मा धन देता, गरीब व्यक्ति है पैसो नहीं, मनी धन देता तो मैं भी इस शुभ कर्म में मारी धन राशि खर्च कर दो। ये कोई बड़ो कार्य अच्छो धार्मिक वह है भाई, भगवान मन भी देता तो मैं भी देतो, यदि इति भी मन में अच्छी भावना जो धारण कर ले वे है तो भी ने पुण्य मिल जावे है। ये कलयुगुरु की तो बड़ो सजनों बताओ उपकार है, पर सजनों एक कमी आ रही है आपा में, आपा मनु भी कोई रुचो को नहीं सोचा, आप मनु ही बुरु ही सोचा तो वो नहीं सोचना आपाने, आपाने भले ही वे नहीं तो बुराई नहीं करनी पर नहीं बुरु सोचनो, मन सा पुण्य कमाए लो कमाणो जितो कमा सका आपा। तो सजनो हरकाराम जी महाराज के कलयुग देख डरो मत कोई, ओ कलयुग खोटो नहीं, सत्युग हीरा कूप में मिलसी और अभी हीरो कटोरा माई। भाई माना कि एक आत्री जो मुंदड़ी है बा कुएं में पड़गी और एक व्यक्ति री पड़गी है तगारी में, काटने की हो रही है भाई, तगारी वाली हो रही है जड़ से काट सका। सत्युग में परमात्मा री प्राप्ति इतनी दूरी और कलयुग में इतनी सरल है। तुम आत्मा कहे किसकी मात पिता क्यों किसका किसका, बैंदड़ भीरा स्वार्थ ले ही रचो जग सारो, रम पाया ज्ञान गंभीरा। दुष्ट भावा ने दूर हटाओ और हरिजन को डर नहीं, दुष्ट भावा ने छोड़ दो और भगवान री भक्ति करो, फिर भगवान रे भगत ने यम दूत रो कोई डर नहीं। भाई अभी अटे पुलिस आ जावे तो किन डर वे है, पुलिस अजावे कि भाई आज कठे गांव में चोरी भी एर में चोर पकड़ने आया है ऐसो ऐलान कर दे वे तो डर किन वे बताओ आप, चोर ने डर वे हव का रह जाए पुलिस चारों में फिर विन का डर है भाई, चोर है मेरा पग जी का कहना कच्चा रिया करे तो वो भयभीत हो जावे वो डर जावे, पर जो साहूकार है बिने कोई भी तरह रो डर नहीं, बिने कोई तरह रो वे नहीं। ऐसे ही काल जाल जम चोट जो भगवान रो भक्ति करे है भगवान रो नाम लेवे है बिने कोई भी तरह रो वे नहीं है। ऐसे हरका राम जी महाराज के अब हरका सदगुरु जी की शरणे और निस्दिन सिमरो साई रे। अब हरका राम जी महाराज के सदगुरु की शरण जाए और निस्दिन परमात्मा री भक्ति करो, परमात्मा रो नाम लेओ, परमात्मा रो आश्रो लेओ। ऐसे ही
आज अपे श्री दरियाव जी महाराज रे दिव्य जीवन दर्शन बहुत विस्तृत है, पर अपे संक्षेप में 7 दिन री जो सत्संग में अपा दरियाव जी महाराज, वे दरियाव जी महाराज रे शिष्य प्रशिष्यों रो जो दिव्य जीवन दर्शन सुनियो हाँ महापुरुषों रो दरिया साहब रो, तो एक ही संदेश हो विशेष थे गृहस्थियों रे वास्ते, हाथ काम मुख राम, सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमरण राम कार कर लीजो दिन रात। और दरिया साहब जब पंचभौतिक चोले नहीं छोड़ परम धाम पधारिया, तब अपने शिष्यों ने एक ही आशीर्वाद दियो कि हम तो जाते हमारे धाम और तुम सब सुमरो राम राम, हम तो अपने धाम जाओ भाई सतलोक, और शिष्य लोगों ते भगवान रो भजन कर जो और भगवान रो नाम ले जो। ऐसे अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने बारंबार प्रणाम है, बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, बोली श्री किशनदास जी महाराज की, अरका राम जी महाराज की, राम धाम रैण नगर की, श्रीवाणी जी महाराज की।